नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों आज एक नई खबर आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, और ये मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये सबको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और उन्होंने काम को बहुत तेजी से शुरू कर दिया है, और उसमें क्या प्रोग्रेस मिली है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया, फैसला समूह गा के 20,335 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी। ये कौन से 20,335 पद हैं ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए पिछली सरकार में यानी कि सपा सरकार के दौरान पर यूपी ट्रिपल एससी में जो वैकेंसीज निकली हुई थी उसमें 20,335 पदों पर चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी लोगों के इंटरव्यू भी हो चुके थे। उसके बाद में उसको जांच के दायरे में रखने की वजह से सारा प्रोसेस हॉल्ट कर दिया गया था। इसमें भी साफ साफ लिखा है कि शुक्रवार को यानी कि आज है शनिवार, शुक्रवार को डिसीजन लिया गया था। आयोग की बैठक में लिया गया फैसला था, ये तय किया गया है कि चयन प्रक्रिया पूरा होने के बाद नियुक्ति पर अंतिम फैसला विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को राहत बिल्कुल जरूर मिलेगी क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सीबी पालीवाल की बैठक की अध्यक्षता में बताया कि 20,335 पदों पर प्रक्रिया शुरू हुई थी और 11,126 पदों के लिए इंटरव्यू भी हो चुका था, लेकिन उसको रोक दिया गया था। अब उसको प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ा दिया गया है और बहुत जल्दी विदिन 1 मंथ आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और जो रुके हुए पद हैं उन पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक और खुशखबरी हम सब लोगों के लिए, आप लोगों के लिए निकली हुई है कि परिवहन निगम में 3200 पदों पर भर्ती की तैयारी। देखिए परिवहन निगम जो होता है उसने कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि 3200 वैकेंसीज के लिए आयोग को अपना डिटेल सबमिट कर दिया है। अब जल्दी ही इस पर नोटिफिकेशन आएगा। 1989 में आखिरी बार परिवहन निगम में रिक्रूटमेंट हुआ था, उसके बाद से अभी तक एक भी रिक्रूटमेंट इसमें नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि 2018 में ये सारे रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। उसके बाद में एक और खबर ये आई है कि जैसे जिस तरीके से पीसीएस लेवल की परीक्षा के लिए एक नियमावली बनी होती है कि हर पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, ये सारी नियमावली बनी हुई है, इसी तरीके से अब समूह गा के जितने भी पद हैं उनके लिए भी अब नियमावली बनेगी, जिसमें एक मॉडल बनाया जाएगा कि भाई किस एग्ज़ाम को कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं, कितनी एज होनी चाहिए। सोचो बार बार सरकारें बदलती हैं तो बार बार रूल्स ना चेंज हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यूपी से रिलेटेड जिस तरह कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आप तक लाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आप लोगों को सारे रेगुलर अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।